to Law Gurukul. From this video onwards, we are going to start Unit 9 of UGC NTA NET exam 2019 as per the new syllabus. The topic is Intellectual Property Right. In this video, we will discuss what are the concepts and meaning, what are the important theories associated with intellectual property rights, and most important, the international conventions that are related to the intellectual property protection. So let's start. Intellectual property rights. Intellect, ये जो intellectual property का term है, ये word intellect से आया. Intellect मतलब mind और creativity. हमारे mind से जो भी creative चीजें निकल रही है, वो हो गया हमारा intellect. Property generally इसका meaning होता है asset, but as a law student, property means bundle of rights. सिर्फ asset नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल ऑफ राइट्स. कोई भी ऐसी चीज जिस पे हमारा बंडल ऑफ राइट्स है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी. राइट यानी व्हाट टाइप ऑफ राइट? इट मींस पावर टू यूज, सेल, मॉर्गेज, चेंज, डिस्ट्रॉय, और मतलब कुछ भी करना उस ऑब्जेक्ट के साथ, कुछ भी करना, उसे यूज करना, सेल करना, बेचना, फेंकना, जलाना, जो भी राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी पे है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली हो गया कि हमारे माइंड की जो प्रॉपर्टी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. ह्यूमन के माइंड से जो भी क्रिएशन निकल रही है उस चीज पर किसी का बंडल ऑफ राइट्स होना इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सी फॉर एग्जांपल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारा एक्सक्लूसिव राइट होता है टू कमर्शियली एक्सप्लॉयट द प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल के लिए कॉपीराइट लेते हैं. ए हैज रोट अ बुक. ए रोट अ बुक. He has right to print, publish in market, sell, make new edition, make movies on book. मतलब जो भी bundle of rights हैं वो सारे A को मिल जाते हैं उस book के लिए. एक author है, उसके mind में कोई story थी, उसने उसे creative तरीके से लिखा और एक novel बना दिया. अब उस novel पर उस author का जो exclusive right हो जाता है, क्योंकि वो जो novel है वो उसकी intellectual property है. ये नॉवल उसने अपने इंटेलेक्ट, अपने माइंड को यूज करके लिखा, इसलिए ये बुक उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई. इस बुक पर अब उसके बंडल ऑफ राइट्स हैं. वो उस बुक को प्रिंट भी कर सकता है, उसे पब्लिश करा सकता है, मार्केट में सेल कर सकता है, उसका न्यू एडिशन बना सकता है. उस बुक पर वो चाहे तो मूवी भी बना सकता है. तो ये जो भी राइट्स है उस बुक से रिलेटेड वो उस ऑथर के पास है. नाउ व्हाट, ऑथर कैन सेल, ऑथर कैन ट्रांसफर हिज राइट्स टू पब्लिशर. अब ऑथर खुद तो उस बुक पर मूवी नहीं बनाएगा या खुद मार्केट जाकर के तो उस बुक को बेचेगा नहीं, सेल नहीं करेगा. तो ऑथर क्या करता है, अपने कुछ राइट्स को पब्लिशर को ट्रांसफर कर देता है. ओके, नाउ पब्लिशर क्या करता है, उस बुक के न्यू एडिशन बनाता है, उसे मार्केट में सेल करता है, फिर उसे रिपब्लिश कराता है. यानी जो भी सारे ये सब राइट्स हैं वो पब्लिशर को मिल जाते हैं. तो बदले में ऑथर को क्या मिलता है, ऑथर गेट्स पेमेंट एज रॉयल्टी फ्रॉम द पब्लिशर. पब्लिशर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी कुछ राइट्स यूज करूंगा, उसके बदले में ऑथर को क्या मिल रहा है, इसके बदले में उसे रॉयल्टी मिल रही है. टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला कॉपीराइट जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी. हमारे माइंड की क्रिएटिविटी जो है उस पर हमें कॉपीराइट मिलता है. लाइक मूवी मेकिंग, आप लोगों ने पीके मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, एंड ओ माई गॉड ये भी एक मूवी थी परेश रावल एंड अक्षय कुमार. ये दोनों ही मूवीज में जो ब्लाइंड फेथ होता है गॉड पर उसे दिखाया गया. बट क्या दोनों मूवीज सेम है? नहीं, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर ने अपने माइंड की क्रिएटिविटी यूज की है और दोनों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया. पीके मूवी ज्यादा चली देन ओ माई गॉड. तो ये क्या हो रहा है, हमारे माइंड की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी है ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो क्या हमें उस पर एक स्पेशल राइट नहीं मिलना चाहिए? तो इसी कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट टर्म जो है वो आया सामने, कि हमारे माइंड की जो स्पेशल क्रिएटिविटी है, जो काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये हमारे अपने माइंड का ओरिजिन है, तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. सिमिलरली सॉन्ग है, बैठकर आप कुछ भी गुनगुना दो तो वो क्या गाना हिट हो जाएगा? बट जिसके पास ये स्पेशल क्रिएटिव माइंड है कि वो अच्छे लिरिक्स, अच्छे म्यूजिक डाल के एक अच्छा गाना बना सकता है, तो क्या उस पर्सन का राइट नहीं है कि वो उस गाने पर कॉपीराइट क्लेम करे और वो गाना सिर्फ उसका ही कहलाए, क्योंकि ये उस पर
उसकी अपनी पर्सनल मेहनत लगी है, अपना लेबर लगा है, अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड की जो कैपेसिटी है वो लगी है। सेम विद द ऑथर ऑफ द बुक, किसी प्रोफेसर के पास काफ़ी नॉलेज है, वो क्लास में बहुत अच्छे लेक्चर्स देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उस टॉपिक पर या किसी टॉपिक पर बुक भी लिख सके। या कोई ऐसा ऑथर है जो अपने वर्ड्स को, अपने नॉलेज को बुक में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, बट क्लास में एज अ लेक्चर देना हो तो वो उसके लिए ईजी नहीं होता, या फिर उसमें वो उतना अच्छा नहीं है। तो कॉपीराइट ये कहता है कि अगर आपके पास नॉलेज है दैट इज़ नॉट ओनली इनफ, आप उसको अगर क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आपके पास जो माइंड में नॉलेज है उसे आप क्रिएटिव से और अच्छे से एक बुक नहीं बना रहे हो, तो आपको उस माइंड वाले नॉलेज पर कॉपीराइट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट नॉलेज पर नहीं मिलती है, कॉपीराइट मिलती है क्रिएटिविटी पर। सिमिलरली फॉर एन आर्ट ऑल्सो, आप तीन लोगों को बिठा दो और कहो एक हाउस बनाने के लिए, तीनों क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के हाउस बनाते हैं, क्योंकि सबके अपनी माइंड, अपनी क्रिएटिविटी अलग अलग है। कोई ऐसे हट के शेप का बनाएगा, कोई बंगलो बना सकता है, कोई उसमें डोर विंडो और कर्टेंस भी लगा देगा, कोई रोड के घर के बाहर ऐसे एक लंबी सी रोड बना दिया, सामने रिवर बना दिया। तो ये क्या है, माइंड जो है वो सबका अलग अलग है, सबकी अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी है। तो कॉपीराइट जो है वो स्पेशल यूनिक टाइप की क्रिएटिविटी पर मिलती है। पेटेंट, पेटेंट मिलता है इन्वेंशन पे। ओके, एक और चीज़ है डिस्कवरी और इन्वेंशन। पेटेंट इन्वेंशन पर मिलता है, डिस्कवरी पे नहीं। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? डिस्कवरी मतलब जो चीज़ पहले से एग्जिस्टेंस में है और आप उसे ही लोगों के सामने ला रहे हो, दैट इज डिस्कवरी। इन्वेंशन मीन्स आप कुछ न्यू इन्वेंट कर रहे हो जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था। जैसे मेडिसिन, कोई एक मेडिसिन है किसी स्पेसिफिक बीमारी का, तो आपने वो मेडिसिन बनाया, वो पहले नहीं था एग्जिस्टेंस में, आपने कुछ केमिकल्स या फिर और कुछ नेचुरल जो ये जड़ी बूटी होती है उनसे मिलाकर एक कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बनाया, तो उस मेडिसिन पर आपका पेटेंट होगा, क्योंकि आपने कुछ न्यू इन्वेंट किया है, कुछ न्यू इन्वेंट किया है, इसमें डिस्कवरी नहीं थी। तो पेटेंट जो है वो इन्वेंशंस पर मिलती है, डिस्कवरीज पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये मिलता है साइन, सिंबल, किसी कंपनी के टैगलाइंस पर, लोगो पर, किसी का कोई शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है उस पर ये ट्रेडमार्क मिलता है। यानी कोई भी ऐसा साइन, सिंबल, वर्ड, लाइन जिससे उस कंपनी की आइडेंटिटी प्रूव हो रही है, ठीक है, या फिर उस साइन को बोलने से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये उस कंपनी की बात कर रहा है। कोई ऐसा टैगलाइन है जिससे उस कंपनी की आइडेंटिटी कनेक्ट होती है, तो इन सभी चीज़ों पर हमें मिलता है ट्रेडमार्क। तो ये तो ब्रॉडली डिफाइन किया है मैंने, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बट इसके अपार्ट और भी हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी चीज़ों पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, प्लांट वेराइटीज, डेटा प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम्स। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द थियोरीज दैट आर एसोसिएटेड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेचुरल राइट थियोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज लेबर थियोरी और लॉक्स थियोरी। लॉक्स थियोरी क्यों? क्योंकि इस थियोरी को बनाया था लॉक ने। अ पर्सन हैज अ नेचुरल राइट टू द फ्रूट्स ऑफ हिज और हर लेबर। नेचुरल राइट थियोरी ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन का अगर लेबर लग रहा है, किसी भी पर्सन, लेबर ऑफ एनी काइंड, इसमें इंटेलेक्चुअल की बात नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ लेबर की बात कर रहे हैं, कि किसी भी पर्सन का अपने लेबर पे, लेबर उसकी मेहनत से जो भी फ्रूट उसे मिल रहा है, जो भी उसे रिजल्ट मिल रहा है, उस पर उस पर्सन का नेचुरल राइट है। इसमें अलग से हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरा है, ऑब्वियस सी बात है ये मेरे लेबर से निकला है तो ये चीज़ मेरी ही हुई, तो उस पर हमारा नेचुरल राइट है। एवरीवन हैज़ प्रॉपर्टी राइट ओवर हिज और हर लेबर, यानी सबके अपने लेबर पे, अपनी मेहनत पे अपना प्रॉपर्टी राइट है। तो इसीलिए लॉक ने इसे नेचुरल राइट थियोरी का कंसेप्ट दिया है, कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल है नहीं, इसमें कुछ अलग से मिलावट नहीं है, किसी को किसी दूसरे का, दूसरे की मेहनत या दूसरे का कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है, मेरी मेहनत, मेरा लेबर, मेरा, मेरी मेहनत से जो भी रिजल्ट निकला वो चीज़ मेरा हो गया। सो दिस इज़ नेचुरल राइट थियोरी। This should be recognized as his or her property, whether intangible or intangible term.
लॉ क्या कह रहे हैं कि हमारे लेबर से जो भी हमें मिल रहा है, वेदर इट इज टैंजिबल और इनटैंजिबल, कुछ भी हो, अगर वो मेरे लेबर से निकल रहा है, मेरी मेहनत की वजह से वो फ्रूट मुझे मिल रहा है, तो उस पर मेरा अपना पर्सनल राइट होगा. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाई हिगल. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वर्क इज अ पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑथर और इन्वेंटर्स थॉट. ये क्या कह रहे हैं कि हमारा किसी का पर्सनल एक्सप्रेशन या पर्सनल थॉट जो है वो उसी थॉट और उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, तो ही शुड हैव द राइट टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ हिज वर्क बी प्रोड्यूस्ड इन पब्लिक. हीगल ये कह रहे हैं कि इंसान की पर्सनल फ्रीडम है, पर्सनल थॉट है कि वो अपने किसी भी काम को कब और कैसे पब्लिक के सामने प्रोड्यूस करें. दिस इज़ पर्सनैलिटी थ्योरी. ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को सेफगार्ड करता है. यानी कि हीगल कह रहे हैं कि मेरे थॉट से जो भी मेरा जो भी थॉट है वो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मेरी मर्जी मैं उसे कब पब्लिक के सामने लाऊं, कब ना लाऊं. तो दिस इज पर्सनैलिटी थ्योरी. नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियन थ्योरी. यूटिलिटी, ये नाम से पता चल रहा है, यूटिलिटेरियन मतलब सोशली बेनिफिशियल, यानी जो भी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो. तो यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कह रहा है, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्ट बिकॉज इट क्रिएट्स बेनिफिशियल एंड बेटर इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन सोसाइटी. अब बात ये आती है कि किसी के भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम क्यों प्रोटेक्ट करें. उसका अपना माइंड है, अपनी क्रिएशन है, उसने कुछ बनाया, तो मैं क्यों उसे प्रोटेक्ट करूँ, क्योंकि वो सोसाइटी के इकोनॉमिक के लिए और या फिर सोसाइटी के बेनिफिट, सोसाइटी को बहुत बेटरमेंट क्रिएट करेगा और सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. सो दिस कंसेप्ट वॉज प्रपाउंडेड इन यूटिलिटेरियन थ्योरी. सोसाइटी शुड केयर अबाउट इट्स क्रिएटर बिकॉज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज द सोसाइटी. सोसाइटी इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. इन्वेंशन से या क्रिएटिविटी से या किसी टाइप के न्यू कंपनी के आने से फ़ायदा किसे हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है. तो ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्रिएटर्स को एनकरेज करें और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें. इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया. इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन थ्योरी. Now coming to the major treaties and conventions that are related to the protection of intellectual property rights. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. पहले जो ट्रेडमार्क और ये हैं, ट्रेडमार्क पेटेंट वगैरह, सिर्फ इन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता था पेरिस कन्वेंशन 1883 में जब आया था उसमें. बर्न कन्वेंशन ये आया 1886 में, इसमें फिर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क यानी कॉपीराइट का जो कंसेप्ट है, कॉपीराइट को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा बुक्स और म्यूजिक आर्ट के ये सारी चीज़ें, आर्टिस्टिक वर्क भी हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड की ही क्रिएटिविटी है, इसे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. ये कंसेप्ट आया इन 1886 बर्न कन्वेंशन. नेक्स्ट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी. देन पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी, बुडापेस्ट ट्रीटी, देन मैड्रिड अग्रीमेंट, देन द हेग अग्रीमेंट एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट केम इन 1994 एंड लास्टली मैराकेश ट्रीटी इन 2013. सो दीज आर द ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. वी विल डिस्कस इन डिटेल्स ओनली द इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस. सबसे पहले है पेरिस कन्वेंशन. इट वॉज अडॉप्टेड इन 1883. इट अप्लाइज टू द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन द वाइडेस्ट सेंस. पेरिस कन्वेंशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नहीं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहा जाता था क्योंकि ये सारी जो पेटेंट और ट्रेडमार्क वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इंडस्ट्री, इकोनॉमी से रिलेटेड था. इसीलिए पेरिस कन्वेंशन जो था वो अप्लाइज टू द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. It was the first step taken to protect the intellectual work of creator in other countries. Paris Convention में क्या हुआ कि intellectual जो work है, industrial property का जो है,
उसे दूसरे कंट्रीज में भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये कंसेप्ट सबसे पहले आया पेरिस कन्वेंशन में, क्योंकि कंट्रीज इतने सारे कंट्रीज हैं। सपोज इंडिया में कुछ इन्वेंशन हुआ, ठीक है, फिर अदर कंट्रीज क्या करेंगे, इसको कॉपी करके अपने कंट्री में भी उसका पेटेंट ले लेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था कंट्रीज में। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पेरिस कन्वेंशन में ये कहा गया कि जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क है उसे सभी कंट्रीज में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इट इंक्लूड्स पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, यूटिलिटी मॉडल, सर्विस मार्क, ट्रेड नेम्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और रिप्रेशन ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिशन। इन सभी चीज़ों को पेरिस कन्वेंशन में प्रोटेक्शन मिला एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेरिस कन्वेंशन का प्रोविजंस क्या था? सबसे पहले था नेशनल ट्रीटमेंट, यानी सेम प्रोटेक्शन इन ऑल नेशन। किसी भी टाइप का न्यू वर्क अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसे सभी नेशंस में, सभी कंट्रीज में सेम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आपके काम को दूसरे कंट्री में कॉपी करके लोग फिर से पेटेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देन राइट ऑफ प्रायोरिटी। अब जब ऑल नेशन की बात हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि दो कंट्रीज जो है वो सेम चीज़ों पर इन्वेंशन करें, तो इसके लिए ये कंसेप्ट है राइट ऑफ प्रायोरिटी, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो सबसे पहले अपना इन्वेंशन लाएगा, अपना इन्वेंशन रजिस्टर कराएगा, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी हो गई, राइट उसका हो गया। नेक्स्ट इज कॉमन रूल्स। जब अलग अलग कंट्रीज में इन्वेंशन हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है उनकी फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, यानी जो प्रोसीजर है उसे लेकर के। तो पेरिस कन्वेंशन में ये कहा गया कि कॉमन रूल होना चाहिए सभी कंट्रीज़ में अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, जो मार्क्स हैं और ऑब्जेक्शन है जो भी है, उन सबको लेकर के एक कॉमन रूल बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज द बर्न कन्वेंशन। इट वॉज अडॉप्टेड इन 1886। ये क्या करता है, ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने लग गया। इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स एंड द राइट्स ऑफ देयर ऑथर। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के जो भी ऑथर्स थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑथर, म्यूजिशियन, पोएट्स, पेंटर्स एक्सेट्रा। क्योंकि ये आर्टिस्टिक वर्क से रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए ऑथर, म्यूजिशियन, पोएट, आर्टिस्ट, पेंटर, इन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। What are the basic principles? There are three basic principles. Principle of national treatment, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पूरे नेशन में सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सेम प्रोटेक्शन पूरे कंट्री, सारे कंट्रीज में होना चाहिए। It should not be conditional. Protection जो है वो conditional नहीं मिलना चाहिए, इसे exclusive right होना चाहिए, मिलना चाहिए। Protection is independent of the existence of protection in the country of origin of the work. इसमें principle of independence of protection ये concept सामने आया कि जिस country में वो work originate हो रहा है, ultimately उस country को भी उस चीज़ का copyright मिल गया। तो मानी यानी जो person उसके साथ है तो उस country को भी independent protection मिल रहा है उस चीज़ के लिए। तो this is the principle of independence of protection. बर्न कन्वेंशन में ये कहा गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं, यानी कि सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ओनर को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। एक्सक्लूसिव राइट क्या इंक्लूड करता है, ये राइट ऑफ ऑथराइजेशन, राइट टू ट्रांसलेट। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब हो गया कि उस ऑथर के पास सारे एक्सक्लूसिव राइट है सारी चीज करने का, क्या क्या चीजें करने का, राइट ऑफ ऑथराइजेशन, राइट टू ट्रांसलेट, राइट टू मेक अडेप्टेशंस एंड अरेंजमेंट्स, राइट टू परफॉर्म इन पब्लिक, यानी उसे प्ले ड्रामा के रूप में रिप्रेजेंट करे, तो किसी भी फॉर्म में अगर पब्लिक के सामने लाना है तो ये फुल एक्सक्लूसिव राइट उस ऑथर के पास है। राइट टू रिसाइट इन पब्लिक, अपने वर्क को पब्लिक में रिसाइट करना, राइट टू कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक, अपने किसी वर्क को पब्लिक के सामने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ये सारे राइट्स ऑथर के पास है। राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू मेक रिप्रोडक्शन, अपनी किसी बुक को अगर रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसे उसका कुछ चेंज करके या न्यू अमेंडेड बुक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये सब भी एक्सक्लूसिव राइट ऑथर के पास होते हैं। राइट टू यूज इन ऑडियो विजुअल वर्क, यानी
यू कैन से फॉर मूवी बनाना, ऑडियो विजुअल वर्क, यानी किसी भी तरह से उसे ऑडियो या फिर ऑडियो बनाना या फिर उसको विजुअली उसे दिखाना, तो ये सारे राइट्स जो हैं, एक्सक्लूसिव राइट जो हैं, वो ऑथर के पास होते हैं. दिस राइट, दीज राइट्स वेयर गिवन इन बर्न कन्वेंशन. नेक्स्ट इज WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ये कन्वेंशन साइन हुआ था स्टॉकहोम में इन 1967. पेरिस कन्वेंशन एंड बर्न कन्वेंशन, ये दोनों यूनाइट हो गए और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया WIPO ने इन 1970. इट वॉज क्रिएटेड टू एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी. इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. In 1974, WIPO became part of United Nations. 1974 mein WIPO United Nations ka ek bahut important part ban gaya. Next is Patent Cooperation Treaty. The Patent Cooperation Treaty, that is PCT, is an international patent law treaty. क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारा जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पर ही है. तो इंटरनेशनली पेटेंट लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई, इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ट्रीटी. इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन. पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में क्या है कि पेटेंट फाइल करने का जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसीजर है, वो सभी एक प्रोसीजर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में बताया गया, सो दैट सभी कंट्रीज में सेम प्रोसीजर हो. जैसे हमने पढ़ा था ना वो उसके पहले नेशनल ट्रीटमेंट एंड ऑल, उसी को फोकस करते हुए ये ट्रीटी बनाया गया. इट अलाउ अस टू ऑब्टेन पेटेंट इन मल्टीपल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन. इसमें ये हुआ कि हम सिर्फ एक ही कंट्री में एक ही जगह पर पेटेंट फाइल कर रहे हैं, बट हमारा जो पेटेंट है वो हमें मल्टीपल कंट्रीज में भी मिल रहा है. एक सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन के थ्रू हमें मल्टीपल कंट्रीज में हमारा पेटेंट का प्रोटेक्शन मिल रहा है. यानी कि हमने एक कंट्री में पेटेंट रजिस्टर कराया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में जाएं, फिर वहां जाके भी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करें, तब हमें दूसरे कंट्रीज में हमारे काम का प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं. इस पूरे सिस्टम को सिंपल, हैसल फ्री करने के लिए ये पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी बनाया गया, जिसमें ये बताएगा कि एक सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन ही होगा. यानी आप एक जगह पर ही पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करो और आपको इसके थ्रू सभी कंट्रीज में, या जो भी इस ट्रीटी के मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज में आपको पेटेंट ऑटोमेटिकली ऑब्टेन हो जाएगा. अ सिंगल पीसीटी एप्लीकेशन, दैट इज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एप्लीकेशन, हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज अ नेशनल पेटेंट एप्लीकेशन इन ईच ऑफ द पीसीटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स. जैसे मैंने बताया कि पीसीटी के जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में, उन सभी नेशंस में जो है उन्हें पेटेंट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा और उनका सेम लीगल इफेक्ट होगा. ऐसा नहीं कि जिस कंट्री में फाइल हुआ सिर्फ उसी में प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात हो रही है. इसलिए ये कह रहे हैं कि सभी कंट्रीज में सेम लीगल इफेक्ट होगा. पीसीटी सेव एप्लीकेंट टाइम, effort and expenses of preparing separate applications in various languages and file it in different signatory state. Patent cooperation treaty ne patent obtain karne ka jo procedure hai use bilkul hi simple kar diya. Isse kya hoga, applicant ka time bach raha hai, effort bach raha hai, expenses bach rahe hain. Use different countries mein jaakar different languages mein alag alag se application file karne ki zarurat nahi hai. He can make a single patent application and get the patent in multiple countries. Next is TRIPS Agreement, 1994. TRIPS Agreement को समझने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इट वॉज हेल्ड ऑन 1944. इसमें क्या हुआ था, टू गवर्न द इंटरनेशनल मॉनिटरी पॉलिसी. इंटरनेशनली इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया और 1944. इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, IBRD
1945 and IMF in 1946. GATT was established to harmonize world trade in 1947. Pure world ke trade ko ek unite karne ke liye, harmonize karne ke liye GATT banaya gaya. General Agreement on Tariff and Trade in 1947. After last GATT round, GATT jo ho gaya isme fir kya hote the, discussions hote the, negotiations hota tha, kyunki ye tariff aur trade se related jo bhi discussions aur negotiations hote the wo iske rounds aur meetings mein hote the. So iski ek meeting thi Uruguay round. Us meeting mein WTO establish kiya gaya in 1994. WTO means World Trade Organization. TRIPS is one of the most important agreement of WTO. Is WTO ke establishment ke baad WTO ke agreement mein TRIPS agreement aaya jo WTO ka ek bahut important part ban gaya. TRIPS agreement came into force on 1st January 1995. TRIPS agreement covers the following areas. TRIPS agreement mein kya kya protect hota hai? Copyright and related right. Related right matlab jo bhi artistic work hai, music, art, ye sari cheeze. Trademark, patent including new varieties of plant. Agricultural field mein bhi kafi inventions hote rehte hain. Seeds ko germinate karne ka jo procedure hai. दो तीन सीड्स में कुछ केमिकल या फिर कुछ भी ऐसा चेंज करके कुछ न्यू प्लांट बना दिया जाता है तो इन सभी का भी पेटेंट होता है तो जो ट्रिप्स अग्रीमेंट में है ट्रिप्स अग्रीमेंट में इन न्यू वैरायटीज के प्लांट को भी पेटेंट दिया जाने लग गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडस्ट्रियल डिजाइन लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट एंड टेस्ट डेटा ट्रेड सीक्रेट और टेस्ट डेटा को भी ट्रिप्स के अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना गया और इसे भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिला इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रिप्स प्रोवाइड कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्लोबली अंडर WTO सिस्टम ट्रिप्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन रूल बनाना चाह रहा था फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन It also set provision that deals with domestic procedures and remedies for the enforcement of intellectual property rights. अब बात ये हुई कि सारे countries में अपने intellectual property को protect करने के लिए अलग-अलग laws और act थे। हमारे India में भी है Indian copyright act है, patent act है, trademark act है। TRIPS ये कह रहा है कि domestic procedure जो भी है, यानी किसी अपने nation का country का जो डोमेस्टिक प्रोसीजर है रेमेडीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ट्रिप्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए वरना कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा मेंबर कंट्रीज हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी नेशनल लॉज टू इम्प्लीमेंट द ट्रिप्स प्रोविजन यानी ट्रिप्स ये कह रहा है कि अपने डोमेस्टिक जो भी लॉज है नेशनल लॉज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया जाए या अमेंड किया जाए ताकि वो ट्रिप्स के जो प्रोविजंस है उसे भी इम्प्लीमेंट उसे भी उसमें अप्लाई कर सके या दोनों ही रूल्स को दोनों ही लॉज को फॉलो किया जा सके साइनिंग ट्रिप्स मींस कंट्रीज हैव टू मॉडिफाई देयर पेटेंट एक्ट कॉपीराइट एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द ट्रिप्स अगर आप ट्रिप्स अग्रीमेंट में साइन कर रहे हो अगर आप ट्रिप्स के अग्रीमेंट को अग्री कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंट्री के जो डोमेस्टिक एक्ट है रिलेटेड टू पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क एक्सेट्रा इन सभी को मॉडिफाई करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स आपके कंट्री में ट्रेडमार्क या पेटेंट को फाइल करने का अलग प्रोसीजर है बट इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको दूसरे कंट्रीज में भी तो प्रोटेक्शन चाहिए तो आप वो सेम प्रोसीजर कैसे फॉलो करोगे इसलिए ट्रिप्स ये कह रहा था कि जो नेशन वाइड जो भी प्रोसीजर्स हैं पेटेंट कॉपीराइट एक्सेट्रा के फाइलिंग के लिए तो आप अपने नेशनल एक्ट्स में भी उन प्रोविजंस को अप्लाई करो या फिर कुछ ऐसा अमेंड करो ताकि ये ट्रिप्स के जो सिस्टम है प्रोविजंस है उनके साथ कंप्लाई कर सकें इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये सारे चेंजेस किए थे इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर कंट्री ऑफ ट्रिप्स सो इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज मेड अ मेजर अमेंडमेंट टू द 1970 पेटेंट एक्ट इन 2005
2005 में इंडिया ने पेटेंट्स एक्ट को अमेंड किया ताकि वो ट्रिप्स के प्रोविजंस को एकोमोडेट कर सके। कॉपीराइट को भी अमेंड किया गया इन 2012 और भी अदर न्यू लेजिस्लेशंस भी बनाए गए ट्रिप्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्सेट्रा। सो दीज आर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर्स। That's it for today. I hope this video was quite informative for you. अगर ये video आपको अच्छी लगे तो please video को like करें, channel को subscribe करें. Thank you.